मनोज वाजपेयी की ये 100 मूवी होने वाली, जिसका नाम है भैया जी। इसका ट्रेलर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था, एक बिहारी टच में देखने को मिला था, जिसमें वो बहुत ही धमाकेदार रोल प्ले करे। लेकिन आज ये मूवी रिलीज हो चुकी है, तो बात करते हैं कैसी है मूवी। अगर हम बात करें मनोज वाजपेयी की, इसमें जो इन्होंने करेक्टर प्ले किया वो भैया जी किस तरह से उन्होंने प्ले किया है, अगर बात करें तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसे, पहले जो फर्स्ट हाफ दिखाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा उनको शरीफ दिखाया गया है, अच्छों के साथ अच्छे हैं और बुरों के साथ बुरे हैं। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो चलेगा, जहाँ पे जब सेकंड हाफ आता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा इंगेजिंग लगता है और वो आपको ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलते हैं और कहानी आपको कनेक्ट करती है। हालांकि अगर बात करें कहानी, यहाँ पे कुछ नई नहीं होती है, जो कि आप देखते हैं वो बदले की भावना के उसी टाइप की कहानी है जो कि आपको पुरानी मूवी में देखने को आपको मिला होगा। लेकिन यहाँ पे जो नया है, जो इसका डायरेक्शन जो किया गया है, वो जो दिखाया है वो थोड़ा नया टच से दिखाया गया है, तो आपको देखने में मज़ा आता है। और मनोज वाजपेयी का स्वैग स्टाइल और जो उनका एक्शन है वो काफ़ी दमदार लगता है। हालांकि ये मूवी में कुछ ऐसा नया नहीं था, लेकिन जो इनका रोल है, जो इन्होंने करेक्टर प्ले किया, वो इनका रोला इसमें देखने को मिलता है और काफ़ी दमदार लगता है। एक बिहारी टच पे, वो कहा होता ना, एक बिहारी सबसे भारी, तो मनोज वाजपेयी ने यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है और उनकी तारीफ क्या ही करूँ। वो एक बहुत ही अच्छे कलाकार है, आप जानते ही, वो कैसी मूवी करें उनकी ज़बरदस्त होती है। और जो इसके डायरेक्टर की बात करें तो इनके साथ पहले मूवी बना चुके थे एक ही बंदा काफ़ी, जो कि बहुत ही दमदार थी। उनके साथ ये दूसरी मूवी है भैया जी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त। अगर बात करें इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक की, वो बहुत ही लाजवाब है। जो जिस तरह से वो एक्शन करते हैं, उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो आता है निकल के सामने, वो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और गाने भी इसके बेहतरीन हैं, जो मज़ा आता है। ये एक मूवी फैमिली इंटरटेनमेंट मूवी कह सकते हैं। इसमें आपके साथ इमोशनल भी है, ड्रामा भी है और एक धमाकेदार एक्शन पैकेज भी मिलता है। तो इसमें अगर आप मनोज वाजपेयी के डाई हार्ड फैन है, तो आपके लिए बवाल मूवी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। और ये मूवी आप देख सकते हैं हर किसी के साथ, क्योंकि इसमें ऐसे कोई न्यूडिटी नहीं है, ना गाली गलौज है, बस एक बेहतरीन पैकेज के साथ है। हाँ, बस थोड़ी कमज़ोर कहानी लगती है, लेकिन यहाँ बात करें इसमें सारे एक्ट्रेस की, तो सभी का काम अच्छा है। जो इसकी एक्ट्रेस हैं जोया हुसैन, उन्होंने भी काम बहुत ही ज़बरदस्त किया। जो लीड रोल में है, उन्होंने भी काम अच्छा किया है। और बाकी जो इनके नेगेटिव जो रोल जिन्होंने प्ले किए, उनका भी काम दमदार है। तो सभी का काम अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम जो हमको मनोज वाजपेयी जिस एक्शन लेवल में देखने को मिले, वो देख के मज़ा आता है, उनका स्वैग स्टाइल। तो ज़रूर जाइए मूवी देखने, क्योंकि ऐसी मूवी अभी इधर मासी मूवी नहीं आई थी। और जो भाई जो टच दिया है इन्होंने डायरेक्टर ने, वो कमाल का है। और मनोज वाजपेयी भाई काम तो उनका अच्छा रहता ही है। तो इस वीक ये मूवी बेहतरीन लगी मुझे। तो आप बताइए आपको कैसी लगी मूवी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर मनोज वाजपेयी के फैन हैं तो आपको मूवी अच्छी लगने वाली है। ओवरऑल बेहतरीन मूवी है, चाहिए इन्जॉय करिए। और क्या ही कह सकते हैं इस मूवी के बारे में, क्योंकि मुझे तो मूवी अच्छी लगी, इसका एक्शन भी अच्छा लगा। तो आपको कैसी लगी है प्लीज़ अगर देखी तो कमेंट करिए। चैनल पर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।